So you what's up, you welcome back to my channel. Put your head on my shoulder. तो आज का हमने नई वीडियो के साथ ड्रॉप पीस, तो भाई जिसके अंदर ही अपन करने वाले वर्ड में अटैक। तो भाई अपन करने वाले बहुत ही अतरंगी स्ट्रेटेजी के साथ, अतरंगी नहीं कहेंगे लेकिन थोड़ी अलग स्ट्रेटेजी तुम इसको कह सकते हो। भाई इलेक्ट्रो ड्रैगन के साथ अपन कौन से स्पेल्स यूज कर रहे हैं देखना चाहोगे? देखो भाई अपन यूज़ कर रहे हैं 10 लाइटनिंग, 1 अर्थक्विक एंड CC में मैक्स इलेक्ट्रो, मैक्स लून, मैक्स स्टोन स्लैमर एंड मैक्स रेज स्पेल एंड 7 इलेक्ट्रो एंड 6 लून्स। तो भाई ये स्ट्रेटेजी आपको पहले नहीं पड़ी होगी क्योंकि अपन ज़्यादा टाइम इलेक्ट्रो के साथ रेज स्पेल एंड फ्रीज स्पेल्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस बार अपन कुछ अलग ही कर रहे हैं। हमने मेरी लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है ना, तो आई बटन पर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लास्ट वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उससे मैंने TH7 से TH8 पर अटैक किया, तो वही वो देखना मत भूलना। तो भाई जल्दी से आकर देख लेना, पहले ये देख लो फिर वो देखना। तो अभी अपन इस स्ट्रेटेजी के मतलब इस आर्मी के साथ अटैक करने वाले हैं नंबर 3 पे। तो भाई प्लान क्या है? सिंपल सा प्लान है, थोड़ा सा टिपिकल है, ये मैंने कभी किया नहीं है। मैंने थोड़ा कैलकुलेशन किया और मेरी मैथ्स कमज़ोर है, तो भाई कुछ भी हो सकता है, बाकी तो देख लो। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, अपन इधर डालेंगे स्पेल्स, लाइटनिंग स्पेल्स 5 इधर इन्फर्नो और ईगल के बीच में, एंड इधर 6 ठीक है एक्सपोज एंड ईगल के इधर, एंड 1 अर्थक्विक ख़त्म हो जाना चाहिए। देख नहीं 5-5 स्पेल डालेंगे, सॉरी थोड़ा लेफ्ट से राइट हो गया, देखते हैं अगर फेल होता है तो। इसलिए अपन ने इलेक्ट्रो ड्रैगन्स भी लिए हैं अगर फेल होता है तो, मतलब 1 2 3 4 5 फट जा सिम 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 आ ये नॉट योर वॉच। तो भाई ये अपन का पड़ चुका है, एंड अब अपन डालेंगे इलेक्ट्रोस फिर उसके पीछे। अरे यार ब्लैक मैन एयरमैन पहले लग गई, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अरे स्टोन स्लैमर तू भी जा, अब प्रॉब्लम देने वाली कोई चीज़ है तो नहीं, लेकिन अपने पास वही है रेत पर एक ही है, उसको सही जगह पर डालना है। तो अब मेरे हिसाब से यहाँ पर डाल देना चाहिए, यानी बुड्ढे की एबिलिटी भी डाल देनी चाहिए। बहुत सही बुड्ढे की एबिलिटी ओपी डाली अपन ने, एकदम ओपी ही, एंड ये स्ट्रेटेजी काम कर गई तो फिर मज़ा ही आ जाएगा। काम तो करनी चाहिए, सब प्लान के अकॉर्डिंग हुआ, कैलकुलेशन मेरी सही निकली, भले मेरी मैथ कमज़ोर है तो क्या हुआ, कैलकुलेशन सही निकली अपन की, क्योंकि मैंने ईगल आर्टिलरी की हेल्थ प्लस अपनी लाइटनिंग कितना डैमेज देती है वो सब कैलकुलेशन करके ये अटैक करने आया था मैं, ऐसे ही नहीं आ गया था भाई। अरे क्या कर दिया भाई, ये क्या कर दिया, किंग की अर्ली एबिलिटी क्यों दे दी? कोई बात नहीं, वैसे कोई वैसी बात तो नहीं है, लेकिन तब भी थोड़ा सा बचाता तो सही रहता। इलेक्ट्रोस 1 इलेक्ट्रो बचा है, 2 3 इलेक्ट्रो बचे अपने, यहाँ से कोई ना अपना अच्छा काम कर रही है, बहुत ओपी। ये 3 है भाई, 3 है, ये 3 है, ख़त्म भाई ये बेस भी ख़त्म। क्या चुम्मा ओपी स्ट्रेटेजी अपन ने बनाई, क्वीन की एबिलिटी दे देंगे ख़त्म, ये बेच सकता है इसकी क्वीन ओपी। जी जी हो गया अपना हमारे साथ, मतलब हमारे अटैक हो चुका है 3 स्टार। तो भाई मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं इलेक्ट्रोस क्यों लाया था, मैं ड्रैग्स क्यों नहीं लाया था। इसके पीछे का रीज़न ये था कि एक तो मेरे ड्रैग्स लेवल 5 के हैं और TH11 पर लेवल 6 के ड्रैग्स आते हैं, तो उसको लाने का एक ये रीज़न था नहीं लाने का। एंड प्लस एक और रीज़न ये था, मान लो ये जो मैंने कैलकुलेशन की थी अगर ये बाई चांस गलत हो जाती तो अपन क्या करते हैं, तो इसलिए अपन इलेक्ट्रो आया था कि कोई डर ही नहीं रहता फिर अपन को। तो अपन ने कर दिया अपना एक और अटैक सक्सेसफुल। तो अब अपन को करना है 9 पे, आई नो कि भाई अब 9 पे करना पड़ेगा, अब क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो टीममेट्स हैं मतलब क्लैन मेट्स वो इतने अच्छे हैं ना कि भाई हमारे लिए अटैक छोड़ते ही नहीं, सब खुद ही कर लेते हैं मेरे को एक्चुअली। तो भाई अब मैं दिखाता हूँ कि अपना जो बेस है वो कैसा चल रहा है, मतलब किंग तो 25 का ही है, हमारी क्वीन जो थी 25 की थी उसको मैंने 27 कर लिया है, एंड हमारे बेस में कुछ खास चेंज नहीं हुआ है TH11 के हिसाब से। अपन अभी यही सब छोटी मोटी चीज़ें अपग्रेड कर रहे हैं और जो उतारते आर्च टावर एंड कैनन जो अभी उतारते मतलब जो मिलते हैं TH11 पे उसको अपग्रेड किया। लूट नहीं मिल रही है भाई, ये फार्मिंग वार्मिंग क्या ही, मैं क्रिस्टल पर आ गया तब भी मेरे को अच्छे पैसे नहीं मिल रहे लूट के लिए। मैं गोल्ड से क्रिस्टल पर आ गया लेकिन मेरे को लूट मिली नहीं लिटरली, तभी मेरे को लगा क्रिस्टल जाना ही पड़ेगा तभी लूट मिलेगी, अब उससे नीचे क्या ही जाता मैं, तो मैं काफ़ी नीचे जा चुका था, गोल्ड 2 या 3 कुछ जा चुका था, लेकिन फिर मैंने देखा वहाँ पर लूट नहीं मिल रही, तो अब ब्राउन्स पर तो जाऊँगा नहीं भाई, वहाँ पर कौन सी लूट मिल जाएगी मेरे को, तो इसमें गया नहीं।
एंड हमारी आर्मी जो है वो रेडी हो चुकी है, चलो जेम मार दिए आप लोग के लिए, चार जेम क्या ही है मतलब मार दिया अपन ने जेम्स। एंड अब अपन को अटैक 5 पे करके क्या ही फ़ायदा भाई, एक स्टार के लिए अपन क्या करेंगे फालतू में, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। लेकिन मेरे को लगता है कि 7-8 क्लियर हो जाएगा, बंदों में टैक्स तो बचे हैं, 7 भी हो जाएगा, 7-8 हो जाएगा, तो तुम्हारा भाई अब करेगा 5 पे ही करेगा करने से। तो पहले पूरा किंग क्वीन को रेडी होने दो। 5 पे करने के लिए अपन को क्या करना है, यहाँ पे क्या काम आएगा, सेम स्ट्रेटेजी काम आएगी क्या जो अभी इससे पहले वाले में की थी। यहाँ पे 4 डालेंगे, क्या लगता है, ये बेस तो वैसे भी रजडी है, यहाँ पे अपन को इन्फर्नो लेने हैं तो मिल जाएंगे, उसमें कोई सीन नहीं है। अपन अटैक यहाँ से ही करेंगे ऊपर की साइड से, ये गोल्ड माइन की साइड से, तो अपन करेंगे थोड़ा कंफ्यूजन है। किंग क्वीन के साथ अपन एक काम करेंगे, इधर एक वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, स्टोन स्लैमर अपन यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे वहीं जैसे अपन नॉर्मली अटैक करते हैं अपन वैसे ही करेंगे, बस इन्फर्नोज दोनों टेक डाउन कर लेंगे अपन, बस ट्विस्ट ये है अपन दोनों इन्फर्नो टेक डाउन कर लेंगे, जिससे कुछ डैमेज देने वाला बचे ही ना, फिर तो ये बेस ख़त्म हो ही जाएगा। यस चलो देखते हैं भाई अपन को क्या करना है, अपन स्ट्रेटेजी पहले बनाते हैं, आर्मी ट्रेन करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। भाई फाइनली हमारी आर्मी जो है ट्रेन हो चुकी है, तो यस सब चेक कर लिया, बस ये किंग, ओ भाई 3 जेम चले, मेरे को एक जाएगा, तो भाई चलो अब करते हैं अपन अटैक, लेट्स गो। तो भाई आ चुके अपन अटैक करने, मतलब अभी करने वाले हैं, चलो चलते हैं फाइनली, सब रेडी है, बूम बाम करेंगे। चलो यहाँ पे क्वीन अपन लेंगे, क्वीन को भी लपेटेंगे, क्वीन को आने का वेट करेंगे थोड़ा सा, ईगल के पास थोड़ा सा और आजा, क्वीन आएगी क्या, हाँ भाई गई। एंड यहाँ पे देखते हैं 2 क्रॉसबो, अरे क्रॉसबो हो रहा था एक्सबोज को, चलो अपन ने डैमेज वैमेज तो दे ही दिया थोड़ा बहुत जितना दे सकते थे। ओ हो ओ हो ओ हो ओ भाई सारे ट्रैप्स इधर ही काट दिए क्या बंदे ने, अरे भाई हो जाएगा हो जाएगा, हो जाना चाहिए, इजी है, इजी हो जाएगा, हो गया भाई ये हो गया, इसको कोई रोक नहीं सकता भाई, ये तो ट्रिपल है ही, यहाँ पे किंग डाल देंगे, यहाँ पे क्वीन डाल देंगे, जैसे कोई टाइम फेल की भाई क्या ही था इसमें। लेकिन हमारे फ्रेंड ने ज़रूर मिस किया, हमारी भी TH10 की आर्मी कह लो भाई, खाली हमारे पास बुढ़ा एक्स्ट्रा है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, और बुढ़े का क्या ही काम है भाई, वो जो जब काम करना चाहिए था तब तो भाई कुछ ही काम आया ही नहीं एक्चुअली में देखा जाए तो भाई, लेकिन उसने फेल किया था, काफ़ी गंदा फेल था उसका भाई, इसको बोलता मेरे से सीख ले अटैक भाई, लेकिन नहीं भाई करना है भाई, मैंने मना किया था इस पर नहीं करना है, उसने अपना अटैक ही एक तरीके से वेस्ट किया एंड मेरे लिए इसलिए बर्बाद हुआ क्योंकि मेरे को सिर्फ 1 ही स्टार मिला इससे, कि वो ऑलरेडी 2 स्टार्स कर चुका था, लेकिन जो क्लैन के लिए अच्छा है वही करना चाहिए, तो इसलिए मैंने अपने 2 स्टार मार दिए, तो भाई इसके लिए 1 लाइक तो बनता है, अपने 1 स्टार लिया, अपने क्लैन के लिए 1 स्टार लिया जिससे हमारा क्लैन पूरे पूरे स्टार्स वसूल कर सके, तो भाई इसके लिए 1 लाइक बनता है, क्योंकि देखो 7 और 8 तो संभाल ही लेगा कोई ना कोई, एंड बाकी ये नीचे बेसिस भी कैसे ना कैसे क्लियर हो ही जाएंगे, तो भाई इतना बलिदान किया है। एंड अभी हमारे जो मेन अटैक्स हैं नंबर 1 एंड 2 जो कि अपन TH13 की ID से करेंगे अपनी, वो आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ऑलरेडी लंबी हो ही चुकी है, मैं देख रहा हूँ हो ही गई होगी 10 मिनट के अराउंड, तो भाई वो ज़रूर से देखना। और ये लोग जो सामने वाले अपोनेंट्स हैं ये लोग काफ़ी अच्छे अटैकर्स हैं, मैं कह सकते हैं इन लोग के 9 अटैक्स में 20 स्टार्स है, तो भाई इनको हल्के में अपन नहीं ले सकते, हाँ थोड़े बहुत हल्के किए हैं वैसे, लेकिन मैंने देखे हैं काफ़ी से अटैक्स किए हैं काफ़ी लो टाउन हॉल्स ने, अभी मैंने देख लिया। तो भाई उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और मिलता है विद द ब्रांड न्यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।